गुरु रजनीश ओशो की लिखी गई किताब किताब दानिश से एक और मजमून हाजिर खिदमत है। दानिश दानिश इल्म नहीं है, इल्म वाला आदमी उसे नहीं देख सकता। स्टीफन क्रेन लिखता है, मैं एक बुजुर्ग से मिला, उन्होंने किताब दानिश थामी हुई थी। मैंने उनसे कहा, जनाब ज़रा मुझे पढ़ने को दीजिए किताब। वो बोले, बच्चे। मैंने कहा, जनाब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं ये किताब पहले भी काफ़ी हद तक पढ़ चुका हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा काफ़ी हद तक। फिर मुस्कुराते हुए किताब खोल कर मेरे सामने रख दी। मैंने किताब पर नज़र डाली तो हैरानी की बात है, मैं अचानक अंधा हो गया। सिर्फ मासूम लोग दानिश को देख सकते हैं, सिर्फ बच्चा उसे देख सकता है। वो जो कुछ न जानता हो, वो जो न जानने की हालत में अमल कर रहा हो, जान सकता है कि दानिश क्या है। दानिश का इल्म से बहरहाल कोई सरोकार नहीं, उसका कुछ सरोकार मासूमियत से है। उसको जानने के लिए दिल का खालिसपन दरकार है, दानिश को पाने के लिए हस्ती का खालीपन ज़रूरी है। यसू ने दुरुस्त कहा है, सिर्फ वही लोग जो कि छोटे बच्चों जैसे होंगे खुदावंद की बादशाह में दाखिल होने के अहल होंगे। इल्म खारिज से आता है, दानिश दाखिल से फूटती है। इल्म मुस्तआर होता है, दानिश ओरिजिनल होती है। दानिश हस्ती के लिए तुम्हारी बसीरत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बसीरत होती है, न बुद्ध की, न अतिशिया की, न मेरी, न तुम्हारी। जब तुम इल्म की गिरद गर्द के बग़ैर अपनी रूह के आईने को देखने के अहल होते हो, जब तुम्हारी रूह पर इल्म की गर्द नहीं होती, जब वो सिर्फ आईना होती है जो कुछ है उसी को मुनक्किस करती है, यही दानिश है। जो कुछ है उसी का इनकाश दानिश है। इल्म अना को तकवीत देता है, दानिश रूनमा ही सिर्फ उस वक्त होती है जब अना फरामोश कर दी गई हो। इल्म को पढ़ा जा सकता है, यूनिवर्सिटियाँ तुम्हें पढ़ाने के लिए ही तो हैं, दानिश को पढ़ाया नहीं जा सकता। यह तो छूत की बीमारी जैसी होती है, तुम्हें दाना इंसान के हमरा रहना होगा, सिर्फ तभी तुम में कुछ रूनमा होना शुरू होगा। दानिश ही सच्चा इल्म है, इल्म के बजाय इल्म हासिल करने का अमल, क्योंकि उसका इख्तिताम नहीं है। यह नशोनुमा होती है और यह नशोनुमा पाती रहती है, बहती रहती है। दाना इंसान सीखना जानी रखता है, उसकी मंजिल कभी नहीं आती। इल्म वाले मत बनो, दाना बनो। रुपया या पैसा, रुपया ताकत है। हर शख्स रुपए के बारे में सोच रहा है। जो शख्स रुपए के हवाले से नहीं सोचता, वो भी मुख्तलिफ सिक्कों के बारे में सोचता है। रुपया ताकत की अलामत है, तुम रुपए की मदद से ताकत खरीद सकते हो। तुम्हारे पंडित भी रुपए के बारे में सोचते हैं, वो इसे पुण्य कहते हैं। वो पुण्य के जरिए स्वर्ग में एक बेहतर मकान खरीद सकते हैं, एक बेहतर कार, एक बेहतर औरत खरीद सकते हैं। चंद लोग इतने लालची नहीं हैं, वो सिर्फ दुनिया में राज रुपए पैसे के बारे में सोच रहे हैं। इंसान सिर्फ उसी वक्त रुपए के बारे में सोचना छोड़ता है कि जब वो हाल में रहना शुरू कर देता है। पैसा मुस्तकबिल है, पैसा मुस्तकबिल का तहफ़ है, मुस्तकबिल की ज़मानत है। अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस अच्छा है तो तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज है। सारी दुनिया रुपए के हवाले से ही सोच रही है। जो लोग पावर पॉलिटिक्स के हवाले से सोच रहे हैं, वो रुपए ही के हवाले से सोच रहे हैं, क्योंकि रुपया ताकत की अलामत के सिवा कुछ नहीं। इसी वजह से तुम ज़्यादा से ज़्यादा रुपया जमा करते हो, लेकिन मज़ीद रुपए के हुसूल की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ताकत की प्यास लामहदूद है, किस इख्तिताम से आशना नहीं। और लोग ताकत के प्यासे हैं क्योंकि अंदर गहराई में वो खोखले हैं। इस खोखलेपन को भरने के लिए किसी न किसी शय के तलबगार होते हैं। वो रुपया हो सकता है, ताकत हो सकती है, इज्जत हो सकती है, किरदार हो सकता है, या पुण्य हो सकता है। कोई भी शय हो, चल सकती है, वो तो अपने दाखिली खोखलेपन को भरना चाहते हैं। दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग हैं जो दाखिली खोखलेपन को भरना चाहते हैं, और वो कामयाब लोग जो दाखिली खोखलेपन को देखना चाहते हैं। जो लोग खोखलेपन को भरना चाहते हैं, खोखले ही रहते हैं, मुस्तरिब रहते हैं, वो कचरा इकट्ठा करते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी लाहासिल व बेसमर होती है। सिर्फ दूसरी किस्म के लोग, इंतहाई कामयाब और कीमती लोग, जो अपने दाखिली खोखलेपन को भरने की ख्वाहिश किए बगैर देखते हैं, मुराकबाती बन जाते हैं। मुराकबा तुम्हारे खालीपन पर गौर करता है, उसे खुशामदीद कहता है, उससे लुत्फानंदोज़ होता है, उससे हम आहंग हो जाता है। उसे भरने की ख्वाहिश किए बगैर उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से भरा हुआ होता है। ये खोखलापन उसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें उसे सही तरीके से देखना नहीं आता। तुम उसे जहन के ज़रिए देखते हो, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर तुम जहन को एक तरफ रखकर अपने खालीपन को देखोगे, तो ये बेपनाह हुस्न कहाँ में नज़र आएगा, अलो ही नज़र आएगा। ये खुशी से छलकेगा,
ज़रूरत किसी शय की नहीं है, सिर्फ तभी इंसान रुपए के बारे में सोचना छोड़ता है, ताकत के बारे में सोचना छोड़ता है, वगरना हर शख्स किसी न किसी तौर पर पैसे के बारे में सोच रहा है। इस पागलपन से बचो, लम्हे में जियो, मुस्तकबिल को छोड़ दो, इस तरह पैसा अपनी कशिश खो बैठेगा। लम्हे में इतनी कामलियत के साथ जियो कि जैसे तुम्हारे लिए दूसरा लम्हा नहीं आएगा, कि जैसे ये आखिरी लम्हा हो। यूं रुपये और ताकत की सारी ख्वाहिशें तुम्हारे पीछा छोड़ देंगी। अगर तुम्हें अचानक पता चले कि आज तुम मर जाओगे तो क्या होगा? क्या तुम फिर भी रुपये में दिलचस्पी लोगे? अचानक पैसे की ख्वाहिश तुम्हें छोड़ देगी। अगर ये आखिरी दिन है तो तुम उसे आने वाले कल के बारे में सोचे हुए ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि वो कल तो आनी ही नहीं है। चूँकि हम आने वाले कल में जीते हैं, इसलिए रुपया इस कदर अहम हो जाता है। और चूँकि हम जिंदा नहीं होते, इसलिए हम सिर्फ दूसरों को नकाली करते हैं। रुपया बेहद बहुत अहम है और पैसा बेहद अहम हो जाता है। किसी ने नया घर बनाया है, तुम कमतरी महसूस करने लगे हो। चंद दिन पहले तुम अपने घर से बिल्कुल मुतमइन थे, लेकिन अब उस शख्स ने एक ज़्यादा बड़ा घर बना रहा है। अब तकाबुल उभरता है और ये अज़ियत देता है, ये तुम्हारी अना को मजरूह करता है। तुम मज़ीद रुपया हासिल करना चाहते हो, किसी ने कुछ किया है और तुम्हारी अना मजरूह हो गई है। तकाबुल करना छोड़ दो, ज़िंदगी हकीकतन खूबसूरत हो जाएगी। मुकाबला करना तुम छोड़ दो, तुम ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ उठाओ। जो शख्स अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ानंदोज़ होता है, वो मिल्कियत का ख्वाहिशमंद नहीं होता, क्योंकि जानता है कि ज़िंदगी की हकीकी अशिया को ख़रीदा नहीं जा सकता, और यही चीज़ें मुसरत बख्श होती हैं। मोहब्बत ख़रीदी नहीं जा सकती, हाँ जिन्स खरीदी जा सकती है। बस जो शख्स जानता है कि मोहब्बत क्या है, वो रुपये में दिलचस्पी नहीं लेता। ताम वो शख्स जो नहीं जानता कि मोहब्बत क्या है, वो रुपये में ज़रूर दिलचस्पी लेता है, क्योंकि रुपया जिन्स को ख़रीद सकता है, और सिर्फ जिन्सी के बारे में वो जानता है, वो मोहब्बत के बारे में नहीं जानता। तुम सितारों भरी रात खरीदने नहीं सकते, वो शख्स जानता है कि सितारों भरी रात से किस तरह लुत्फ़ानंदोज़ हुआ जाता है। वो रुपये की ज़्यादा परवाह नहीं करता। तुम गुरूब आफ्ताब को ख़रीद नहीं सकते, ताहम जो लोग हकीकी गुरूब आफ्ताब को देखने से वाकिफ़ नहीं होते, वो लाखों डॉलर में उसकी पेंटिंग खरीद लगते हैं, हालांकि वो उसे लटकाना तक नहीं जानते। वो उसके ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को भी नहीं पहचान सकते, ताहम वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने पिकासो की पेंटिंग खरीदी है। अगर तुम गुलाब के फूल से, अपने आंगन में अगले हरे भरे दरख्त से, पहाड़ों से, दरियाओं से, सितारों से, चांद से लुत्फ़ानंदोज़ होना जानते हो, अगर तुम लोगों से लुत्फ़ानंदोज़ होना जानते हो, तो तुम रुपये की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करोगे, इसके लिए दीवाने हुए नहीं फिरोगे। रुपए के लिए दीवानापन इसलिए पैदा होता है कि हम मस्ती की ज़बान भूल चुके हैं, लिहाजा लोग सिर्फ रुपए के हवाले ही से शेखी बगाड़ते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी कितनी खोखली है। मैं तुम्हें रुपए पैसे को तर्क करने का नहीं कहूँगा, ऐसा तो तुम्हें सदियों से कहा जा रहा है और तुम तब्दील नहीं हुए। मैं तो कहता हूँ कि ज़िंदगी से खूब लुत्फ़ उठाओ, यूं रुपये के लिए दीवानापन खुद ब खुद गायब हो जाएगा।